जाना है, और यहाँ पे इसको अगर यस करेंगे तो ईसी लॉक हो जाएगा, या नो करेंगे तो ईसी लॉक नहीं होगा। उसके करने के बाद हमेशा याद रखना आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक का सिंबल आ जाएगा, या ईसी चेंज कर। बोले तो मैं बात करने वाला हूँ, टाटा का ये टियागो गाड़ी है, एमटी गाड़ी, तो इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसका है ना, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बॉडी का कोड आ रहा है P0123 और P121। ये दोनों कोड आता है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ईसी का रहता है, और यहाँ पे स्प्लिटर पैनल का भी कोड आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले ईसी डालना पड़ेगा इसका। ईसी डाल के भी हो जाता है ना, तो कभी कभी ईसी और टोटल बॉडी दोनों डालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका ईसी डालना पड़ेगा मेरे को, और इसका है ना स्केलेटर पैंडल का भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, गाड़ी है ना, गाड़ी चालू रहता है मगर गाड़ी रेस नहीं होता। ठीक है, गाड़ी मतलब 2000 RPM से ज़्यादा 2000 RPM से ज़्यादा जाता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो उस केस में है ना ईसी डालना पड़ता है इसका। और ये दोनों कोड अगर आ रहा है तो आपको खाली ईसी डाल के हो जाएगा, और ये कोड आ रहा है तो स्केलेटर पैंडल का है। ठीक है, स्केलेटर पैंडल में भी कुछ फॉल्ट रहेगा तो देखेंगे बाद में, स्केलेटर पैंडल मेरे हिसाब से डालना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले इसका ईसी डाल के ले लेते हैं। फिलहाल रेस हो रहा है, और वो कभी कभी है ना चेक इंजन लाइट आता है और गाड़ी रेस ही नहीं होता। ठीक है, तो ईसी इसका इधर आता है, तो ईसी डाल के अभी फिलहाल ले लेंगे पहला, फिर इसका स्केलेटर पैंडल डालेंगे। ठीक है, तो ईसी आ चुका है, तो मैं पुराना वाला ईसी खुल जाता है, चेकिंग करके ले लेंगे इसको। ठीक है, तो ईसी चेंज हो चुका है। ईसी चेंज करने के बाद हमेशा याद रखना आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक का सिंबल आ जाएगा, या ईसी चेंज करे, या लॉक सेट चेंज करे, या इमोबिलाइजर चेंज करे, या आपका चाबी चेंज करे, तो उसको है ना पेयरिंग करना पड़ता है। बिना पेयरिंग का आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। यहाँ पे लॉक का सिंबल आ जाएगा, तो पेयरिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे नो डीटीसी आ जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे स्टार्ट दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चेसी नंबर पूछेगा, तो इसको यस करना है। यहाँ पे 30 सेकंड पावर लैच देना है, गाड़ी बाहर निकालना है, फिर उसके 30 सेकंड के बाद सेल्फ मारना है। सेल्फ मारा मैंने, मेरा गाड़ी चालू होगी, ओके कर देना है, तो प्रोसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे इसको अगर यस करेंगे तो ईसी लॉक हो जाएगा, या नो करेंगे तो ईसी लॉक नहीं होगा, तो इसको नो कर देना है। इतना होने के बाद मेरा अभी ईसी और इमोबिलाइजर दोनों पेयर हो चुका है, और यहाँ पे ये कोड आएगा। ये कोड अगर आ रहा है तो ये कोड आएगा आपका, जब तक रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब तक ये कोड जाएगा नहीं। तो रिप्लेसमेंट मारने के लिए अपने को नेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट मार के ले लेंगे, तो मेरा ये भी कोड चला जाएगा। ठीक है, तो हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन में आना है। इंटरनेट कनेक्ट के बाद ये अपने को रिप्लेसमेंट मार लेना है। रिप्लेसमेंट मारने के बाद अपने को रिप्लेसमेंट मारेंगे तो यहाँ पे वो कोड भी चला जाएगा, चेक इंजन लाइट जो आता है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो अभी गाड़ी चालू करके चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे ये वाला कोड देखेंगे, पहला मेमोराइज था, अभी कंफर्म था, अभी मेमोराइज हो गया, इसको डिलीट करके ले लेंगे। डिलीट करेंगे तो मेरा चेक इंजन भी चला जाएगा, चेक इंजन चला गया। ठीक है, स्केलेटर पैंडल भी नया डाल दिया, और मेरा रिप्लेसमेंट भी हो चुका है। तो यहाँ पे लॉक का सिंबल भी नहीं आ रहा है, भी नहीं आ रहा है, गाड़ी प्रॉपर मेरा रेस भी हो रहा है। ठीक है, तो 20-25 किलोमीटर ट्रायल मार लिया मैंने, तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना, चेक इंजन आ रहा ना, गाड़ी मेरा रेस होना छोड़ रहा है, तो अभी रेस वगैरह सब प्रॉपर हो रहा है। यहाँ पे पिकअप भी फर्स्ट क्लास है, गियर शिफ्टिंग भी एक नंबर हो रहा है।